नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, ये जनरल रीडिंग होगी। तो हर बात तो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइंस, अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमें की हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। तो देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, ये रीडिंग होगी 23 से लेके 29 नवंबर तक की होगी। ये रीडिंग 23 से लेकर 29 नवंबर तक आप इस रीडिंग को खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हैं। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में तो हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हो और जानना चाहते हो पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, देख लेते हैं टॉरस की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस यानी वृषभ राशि, किंग ऑफ कप्स, द मैजिशियन, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये बंदा या बंदी जो भी है फिलहाल ये अपना जो इमोशन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, अपना इमोशन को हाइड कर रहा है। इनको पता है कि ये जो चाहेंगे वो कर पाएंगे, क्योंकि इनको लगता है इनके पास वो सारे टूल्स हैं जो इनको अपने काम को करने के लिए मदद करता है। ये खुद को एक मैजिशियन की तरह देख रहा है, इनको लगता है कि इन्होंने जो जितना मेहनत किया है उसके परिणाम इनको मिलने वाला है, ये जो चाहे कर सकते हैं अपने लिए। ये इनको कभी कभी ये लगता है कि आप उनके साथ माइंड गेम खेल रहे हो या फिर आपने उनसे कुछ ऐसी चीज़ें कही जो उनको परेशान कर रहा है। ये चाहते हैं अपने लिए काम करना, किसी के साथ मिलके खुद के लिए कोई नया बिजनेस शुरू करे, काम करे, कुछ इस तरीके की सोच रहा है बंदा। उनको पता है कि वो जो भी करेंगे इसमें वो सक्सेस होंगे और ये जो भी करेंगे इसमें गॉड की ब्लेसिंग्स होगी, क्योंकि उनके पास वो सारे टूल्स हैं जिससे ये अपने हर सोच को सच बना सकते हैं, ऐसा ये करंटली सोच रहा है। इसीलिए ये साइलेंट होके चीज़ों को ऑब्जर्व करने में ज़्यादा खुशी उनको मिल रहा है कि कुछ बोलने से अच्छा है करके दिखाएं, ये कुछ भी कर सकते हैं ऐसा उनको लगता है। और जितना उनसे नहीं बन पड़ेगा वो उसके लिए किसी की मदद भी लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अपना प्यार, अपना इमोशन, इन सारी चीज़ों में थोड़ा ब्रेक, थोड़ा कंट्रोल लगा के रखा है और अपनी स्टेबिलिटी पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। अभी देखेंगे ये चाहते क्या हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये कंफ्यूज है बंदा, इनको क्या चाहिए इनको खुद को पता नहीं है। कभी कभी ये खुद की स्टेबिलिटी चाहते हैं, कभी कभी फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, कभी उनको लगता है उनके लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी ज़रूरी है, कभी कभी उनको ये लगता है अपने लिए स्टेबिलिटी ज़रूरी है, कभी कभी उनको लगता है वो जो चाहे वो कर सकते हैं। उनके लिए दुविधा इस बात की है क्या वो इमोशन को ज़्यादा अहमियत दे या फिर प्यार को या अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को। किसी भी कीमत में उनको अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी प्यारा है, हो सकता है पहले अपनी स्टेबिलिटी को, ये फिलहाल के लिए ये अपनी स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहा है और रिश्ते को थोड़ा कम इम्पोर्टेंट दे रहा है फिलहाल। तो ये चाहते हैं उनकी स्टेबिलिटी बरकरार रहे और फिनेंशियल स्टेबिलिटी उनको मिले। अभी हम देखेंगे ये बंदा या बंदी जो भी हैं, अभी हम देखेंगे कि इनका एक्शन क्या रहेगा। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, ये कंफ्यूज है, इनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके थोड़ी कंफ्यूजन है, ये पैसे को ज़्यादा अहमियत देंगे ये रिश्ते को,
क्योंकि मुझे लगता है इनके पास कोई और रिश्ता भी हो सकता है या फिर आपके पास, जिसके कारण से इनका दिल दुखा हुआ है। इनको ये लगता है कि आपने इनको धोखा दिया है, इनका दिल तोड़ा है। तो ये अभी कोई पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ का इंतज़ार ये बंदा या बंदी करेंगे अभी। और जब भी उनको पैसा भी मिल जाए तो भी ये थोड़ा कंफ्यूज इसलिए रहेंगे कि क्योंकि इनका दिल टूटा हुआ है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है, कर पाएगा कि फिलहाल के लिए उनको क्या करना चाहिए, ये कंफ्यूज रहेंगे। अगर मैं कहूँ इनका एक्शन क्या रहेगा, एक्शन ये इस वक्त कोई एक्शन नहीं लेंगे। इनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी है अभी के लिए, उनका फिनेंशियल स्टेबिलिटी, पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़, कोई नया काम शुरू करना, अपने पैरों पे खड़ा होना, और दिल का जो दर्द है, जो परेशानी है, जैसा कि उनको लगता है कि आप उनको धोखा दे रहे हो, ह्यूमिलिएट कर रहे हो, माइंड गेम खेल रहे हो उनके साथ, तो वो उस चीज़ को अभी साइड में रख के अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर ज़्यादा ध्यान देंगे। हालांकि वो कंफ्यूज रहेंगे, कंफ्यूज है कि उनको पैसा अगर चाहिए तो पैसा किसके लिए चाहिए, क्योंकि प्यार में अभी वो ऐसा समझ रहे कि आपने धोखा दिया है, तो उस बात से भी ये कंफ्यूज है कि पैसा ज़्यादा ज़रूरी है या रिश्ता। लेकिन ये अभी कोई डिसीशन नहीं लेगा, कोई एक्शन नहीं लेगा, ये सिर्फ अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचेगा। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स जी का गाइडेंस क्या आता है। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प करें, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहा है उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प करें। द एम्प्रेस, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देखो टॉरस, यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आपको भी अपने तरफ ही ध्यान देना चाहिए, आपको सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, खुद के लिए कदम उठाइए, खुद के लिए स्टैंड लीजिए। अगर आप पहले अपने लिए नहीं सोचते थे तो अभी आप अपने लिए सोचो। आपको भी फिनेंशियल गुड न्यूज़ का इंतज़ार करना चाहिए। आपको हो सकता है पैसे से रिलेटेड कोई न्यूज़ का इंतज़ार है, ऐसा भी हो सकता है आपका कोई खुशखबरी आपको मिलने वाला है जिसका आपको इंतज़ार है। इसके साथ साथ आपको वो करना चाहिए जिससे आपको खुशी होती है, जैसे सजना संवरना, पार्लर जाओ, खुद के लिए सोचो, कपड़े खरीदो, जेवर या फिर शर्ट पैंट, जो भी जिस भी जेंडर में मत जाइए, जो आपकी ज़रूरत है आपने लिए अपने लिए सोचे, अपने लिए स्टैंड ले, अपने बारे में सोचे। पैसों की जो अहमियत है वो आपको पता है, क्योंकि आपने मेहनत से सब कुछ कमाया है और पैसा आपके पास आता रहेगा, और आप जिस मेहनत से पैसे को कमाया है उस मेहनत से कमाया हुआ पैसा भी आपके पास आएगा, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है। लेकिन वो पैसा कुछ अपने पर भी आप खर्च करें, ऐसा नहीं कि आया मेहनत से कमाया सब रख दिए, नहीं, कुछ अपने पर खर्च करें, खुद को खुश रखें और अपनी स्टेबिलिटी के लिए काम करें। जो भी पैसा आने का आपको इंतज़ार है, वो जो कमाने में आपने जो मेहनत लगाई उसी मेहनत को बरकरार रखें, अपने बारे में सोचें। फिलहाल के लिए, अभी के लिए सिर्फ अपने बारे में सोचिए, वही आपके लिए सही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।